The sexist comments Bollywood heroines are tired of hearing. Let's go for it. First one. Oh, she's an actress. Usko to replace kar hi sakte hai na? Kya fark padta hai? Jiski dates available hai, le lo. Zyada karna hi kya hai? You have to just look pretty and thoda sa should be good in dancing skills and all, look glamorous and bas, not much. Not too stressful. Heroine hai ye. Log isko dekhne thoda na aa rahe hain. Hero ki wajah se picture ka budget aur picture ki audience decide hoti hai. So how does it matter? So what if she is 25 and the hero is 45? Makeup se sab ho jata hai. Thode baal baal safed kar lenge, thoda bahut makeup se jhuriyan wuriyan ho jata hai sab. Sorry, we don't have as much budget to pay you, yeah. I mean, hero ki wajah se sara budget hi kam bacha hai, matlab sara uski salary mein chala gaya. You know, we don't have that much of budget left for you. But it's a very good role na. We should do it. अरे यार, उसने कितने वो आइटम सॉन्ग नॉल किए हैं, आप उसको हीरोइन की तरह थोड़ा लेंगे, अच्छा थोड़ा लगता है. तुम्हारे से पूछ के चेंज करना था क्या? मतलब कर दिया चेंज, हीरो से डिस्कशन हुआ हमारा, क्या तुम्हें भी बताना था क्या? ज़रूरी था क्या यार? वो ना मोटी हो गई थी थोड़ी, इसलिए उसको निकालना पड़ा. अभी मोटी हीरोइन को थोड़ा ना मतलब अच्छा नहीं लगता ना स्क्रीन पर. अगर हीरोइन बनना है ना तो थोड़ा सा अपना नाक ठीक कराओ, थोड़ी जॉ लाइन, थोड़ा मतलब ये आईज एंड ऑल, यू नो, थोड़ा सा मतलब विजुअली अपीलिंग लगना चाहिए ना, मतलब बड़े स्क्रीन पे. अरे शादी तो नहीं करने वाली हो ना? मतलब शादी कर ली तो फिर सोच लो, फिर वो अलग तरह के रोल, अलग तरह की पिक्चरें मिलेंगी, फिर ये हीरोइन टाइप वाली फीलिंग सब ख़त्म हो जाएगी. लोगों की एस्पिरेशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना फिर, एक बार शादी होगी तो. फिर तो भाभी हो जाती हैं. Yeah, I know we blocked your dates and all. Yeah, I know, but you know we had our internal discussion with other people, with the hero. He was not very okay with you, so we had to take someone else. अब तुम मुझे बताओगे कि स्क्रिप्ट में क्या चेंज करना? मतलब I have done my research work. I'm not ready to change my script. नहीं, एक्चुअली ना थोड़ी सी फेयर एंड ऑल उस तरह की लड़की चाहिए. अभी वो डस्की लड़की के लिए ना वो थोड़ी सी फीलिंग कम हो जाती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा फेयर वाली लड़की चाहिए. ऐसे इफ़ यू टॉक सो ऑनेस्टली एंड ओपनली अबाउट थिंग्स एंड ऑल, तो फिर हो सकता है ना लोग हर्ट हो जाएं, फिर आगे से पिक्चर में नहीं लेंगे. तो सोच समझ के मतलब थोड़ा फिल्टर करके बात करो, मतलब हर चीज़ नहीं बोलनी होती सच सच. हाउ कैन यू गेट मोर स्पेस ऑन द पोस्टर देन द हीरो? मतलब उस पिक्चर में वैसे अगर हीरो का शक्ल अच्छा है और बड़ा है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है हीरोइन जितनी मर्जी है, क्योंकि इवेंचुअली ऑडियंस उसी को देखने आ रही है ना. सो वॉट मैटर्स इज हिज फेस. शी इज़ गॉट द सेम हेयर लाइक हर, she speaks her mind too. सस्ती कॉपी है वो, कुछ ज़्यादा ही उड़ने लग गई है. मतलब how can she say no to this film with this hero? How? She's getting back to back films. कुछ तो गड़बड़ है. मतलब सिर्फ टैलेंट तो नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल है, कुछ तो फिशी है. अरे ना तुम इस कैंप में हो ना उस कैंप में, ना तुम उधर पार्टी करने जाती हो ना इधर, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? कब तक ऐसे चलेगा? मतलब डिसाइड कर लो किस साइड हो, होना तो पड़ेगा. सो वॉट इफ द स्टोरी इज अबाउट द गर्ल्स? हीरो के नाम पहले ही आएगा ना, वो सीनियर है, हीरो है, तो नाम पहले उसी का आएगा. वाई योर्स? अरे इतनी सारी लड़कियों को लेके पिक्चर बना रहे हो, बहुत डिफिकल्ट होगा. इनसिक्योरिटीज, कैट फाइट्स एंड ऑल दैट, मेरे कपड़े उसके कपड़े से बेटर क्यों नहीं एंड ऑल दैट, बहुत स्ट्रेस होगा, रहने दो. उस हीरो की शादी हो गई है, अब प्रेग्नेंट हो गई, तो एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट में सीधा सीधा लिखवा लो दैट शी कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, शी कैन नॉट डू एनीथिंग टू गेट प्रेग्नेंट, सब कुछ लिखवा लो कॉन्ट्रैक्ट में. ऐसे ना, ऐसे क्लीन पीआर अच्छा नहीं लगता. सो यू हैव टू गिव आउट मसालेदार न्यूज़, क्योंकि वो पिकअप ज़्यादा होती है ना. सो यू हैव टू गिव आउट न्यूज़ लाइक योर कैट फाइट्स विद योर को एक्ट्रेस एंड कुछ मतलब योर मीटिंग योर को एक्टर इन रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज. सो यू टू कीप गिविंग आउट दिस न्यूज़, बिकॉज पिकअप ज़्यादा होती है ना, देन बिकम्स वायरल. वायरल हो गई मतलब इसी ने बना के, इसी ने सर्कुलेट करी है, इसी ने सब कुछ किया होगा. वो जो MMS है ना, वो इसी ने किया होगा सर्कुलेट. इसको पब्लिसिटी चाहिए. अजीब लगा ना सुनने में. येस, इट वॉज ऑकवर्ड फॉर मी टू से इट एज वेल, बट यू नो वॉट, आई हियर इट एवरी सिंगल डे, मोस्ट ऑफ दीज कॉमेंट्स. आई होप यू पीपल रियलाइज नाउ हाउ इट रियली फील्स टू बी अ फीमेल एक्टर इन दिस इंडस्ट्री. वी आर जज्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फॉर एवरीथिंग वी डू, फ्रॉम द थिंग्स वी ईट टू थिंग्स वी वेयर टू आर पर्सनल लाइव्स. Well, we signed up to be a public figure, not a public property.
So please keep that in mind. After all, we are also a regular Indian girl. We don't deserve this.